खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेजसर। उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपनी छवि को बेहतर करने के लिए पीड़ित से सीधा संवाद बनाएगी। यूपी पुलिस से अगर किसी फरियादी को थाने में जाकर अपनी बात रखनी हो तो उसके दिमाग में पहले यही बात आती है कि कहीं पुलिस उसके साथ दुर्व्यवहार न कर दे। इस वजह से अधिकतर मामले पुलिस के पास डर की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं। खास तौर पर सीधे लोग खाकी के पास जाने से बचते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि पुलिस से उनका कभी सामना न हो। खैर, ये तो अब रही पुरानी बात। योगी सरकार पुलिस की छवि को बदलने के लिए अब एक अनोखी पहल शुरू करने जा रही है। डीजीपी के निर्देश के बाद अब थाने स्तर पर पुलिस वादी संवाद दिवस का आयोजन करेगी। हर बुधवार को दोपहर 3 से 7 बजे के बीच कोई भी पीड़ित अपने इलाके से संबंधित थाने में जाकर मुकदमे के बारे में विवेचना अधिकारी से जानकारी हासिल कर सकता है। इस पहल की शुरुआत करने का यूपी पुलिस का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस भी परेशान व्यक्ति ने थाने में आकर मुकदमा दर्ज करवाया है, उस मुकदमे में आखिर पुलिस क्या कर रही है, इसकी पूरी जानकारी हर वादी मुकदमे को थाने में ही मिल जाएगी। वादी मुकदमा का अधिकार होता है कि जिस अपराध के खिलाफ उसने आवाज बुलंद की है उस पर पुलिस ने कार्यवाही की है या नहीं। बहरहाल एसपी आशीष श्रीवास्तव ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि हर बुधवार को हीनियस क्राइम को छोड़कर संपत्ति विवाद, मामूली आपसी विवाद, किसी के लापता होने सहित हर छोटे बड़े अपराध की जाँच संबंधी जानकारी विवेचक से ली जा सकेगी। मुकदमा निकालने वाला कोई भी व्यक्ति आकर इस बारे में संबंधित पुलिस कर्मी से जानकारी हासिल कर सकता है। इस पहल की शुरुआत आज से कर दी गई है और इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, जो आसानी से अपने मुकदमे को लेकर विवेचक से बात कर जानकारी दे और ले सकता है। जनपद बस्ती में प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3 से 7 के बीच में वादी संवाद दिवस मनाया जा रहा है। वादी संवाद दिवस में 363/66 या शरीर संबंधी अपराध या संपत्ति संबंधी अपराध के वादी थानों पर आकर के अपने विवेचकों से मिल सकते हैं और उनके द्वारा लिखाए गए मुकदमों की विवेचना की प्रगति जान सकते हैं। यदि उनको उसमें किसी प्रकार की परेशानी है तो उसको अधिकारियों से अवगत करा सकते हैं। वादी संवाद दिवस पर हमारे जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो किसी न किसी एक थाने पर उपलब्ध रहेंगे। जिन थानों पर राजपत्रित अधिकारी नहीं पहुँचेंगे वहाँ पर थाना प्रभारी स्वयं अपनी देखरेख में वादी संवाद दिवस मनाएंगे। ये राजपत्रित अधिकारी रोटेशन पर अन्य थानों पर अगले हफ्ते जाया करेंगे। सभी वादियों से, जो भी ऐसे पब्लिक के लोग हैं जिन्होंने मुकदमा थाने पर पंजीकृत कराया है, उनसे निवेदन है कि वो प्रत्येक बुधवार को 3 से 7 के बीच में थाने पर पहुंच करके उनके द्वारा लिखाए गए मुकदमों की प्रगति जान सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।